हाय ऑल दिस इज अबे महाजन एंड गाइस रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने मुझसे uh, टेलीग्राम पे ईमेल पे एंड अदर सोर्सेज से के uh, वी के पुराने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोर्सेज uh, पूछे हैं एंड uh, मांगे हैं सो आई थॉट आई वुड मेक अ क्विक वीडियो ऑन दिस कि कहाँ पर मिलेंगे नंबर टू उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है सो लेटस गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले गाइज अ जेंटरल रिमाइंडर सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर इज द लास्ट डेट तो अगर अभी तक तुमने रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट से रजिस्टर कर दो बिफोर इट गेट्स लेट Secondly, guys, yeah, this is the KVPY site. So, kvpy.iisc.ac.in. यहाँ पर तब तो तुम जाओगे. So, guys, यहाँ पर सारी details about KVPY है. Again, ये details सब लोगों को already हमने बता दिए. बहुत सारे lectures लेके KVPY के ऊपर. Uh, the only thing is, जैसे ही यहाँ पर नीचे जाओगे, guys, तो previous year questions and answer keys. तो so, यहाँ पे 2009 से लेके 2020 तक सारे के सारे papers KVPY के, के पढ़े, हैं, including answer keys. Now the only thing is यहां पर सल्यूशंस नहीं है सो सोल्यूशंस आर नॉट देयर तो अगेन द सेकेंड पार्ट इज सर सल्यूशंस कहां से मिलेंगे तो so, बच्चे उसके लिए तुम्हें किसी ना किसी सोर्स से हेल्प लेनी पड़ेगी सो so, अगर इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी गुड इंस्टीट्यूट जो कि जो कि जेई का या के वी पी का अच्छा तैयारी करवा रहा है तो ऑफ कोर्स वहां के टीचर्स यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प अदरवाइज आई एम ऑल्सो देयर मैंने अपना टेलीग्राम आईडी बहुत सारे बच्चों को शेयर किया हुआ है एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन अब थर्ड थिंग कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये पेपर्स तो हैं हमारे पास बट हाउ टू अप्रोच देम बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रीवियस व क्वेश्चन हमने लगा कर देखे बट क्वेश्चन हो नहीं पा रहे सो वॉट इज वॉट इज़ द रीजन एंड हाउ टू सॉल्व दिस सो गाइज अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे अगर तुम्हारे एक मार्कर वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे इसका मतलब फंडामेंटल्स थोड़े से वीक weak हैं, हैं वीक का साइड पर हैं एंड लेटेस एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड इसमें घबराने का जरूरत नहीं गाइज बिकॉज वी हैव नॉट बीन एक्सपोज टू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिफोर हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने का एक्सपीरियंस नहीं है एंड वो आराम से तीन चार महीनों के अंदर आराम से सीखा जा सकता है जिस जिसका जिसके लिए हमारे पास टाइम भी है तो कैसे अप्रोच करना है मेरे बच्चों हमें क्या करना है 2009 से लेकर 2014 तक सो so गैस 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये छह साल के पेपर ना, आराम से डॉक्यूमेंट करने हैं मतलब इनके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें लिखना है क्वेश्चन uh, लिखना है सोल्यूशन लिखना है एक कॉपी बनाओ लग से के वीपीआई का एंड क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन अगर हो जाता है बहुत ही बढ़िया तो ठीक है तो आपने आपको एक पार्टी दे दो नहीं हो पाता तो गाइस उसका उस क्वेश्चन का प्लीज आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वो तो ऑफकोर्स पता होगा Secondly, identify the topic and subtopic. तो कौन से, से है and कौन सा उसका, उसका सब है? तो वो सब के ऊपर जाओ. अगर वो तुमने ऑलरेडी कर लिया उस सब, सब टॉपिक को तो उसके नोट्स खुद से रिवाइज करो रीड करो एंड कम बैक टू क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर कि नोट्स रिवाइज करके अगर अगर अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट uh, है तुम्हारे पास यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर वन अगर फिर भी नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज अप्रोच योर स्कूल टीचर और योर इंस्टीट्यूट टीचर एंड और मी ऑन टेलीग्राम सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी पॉसिबल वे अगेन गाइस ये करने के बाद सो so ये तुम्हें अगले दो महीने सो नेक्स्ट टू मंथ फॉर सेप्टेंबर एंड अक्टूबर पूरा का पूरा हो सके अक्टूबर मिड तक अक्टूबर मिड तक तुम्हें ये छह क्वेश्चन करने हैं सो मेक अ टारगेट ठीक है सो आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चे केवी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो या तो नीट या फिर जेई का ऑलरेडी पैरेलली प्रिपरेशन कर रहे हैं सो मेक अ टारगेट कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं अगले ढाई महीनों में सो so, एक हफ्ते के अंदर कितने क्वेश्चंस करने हैं सो so, उस टारगेट को हमेशा ध्यान रखो एंड उसको अचीव करने की कोशिश करनी है एंड इट इज ओके अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे इट इज परफेक्टली फाइन बिकॉज हमें उस तरह के क्वेश्चन का अभी एक्सपोजर नहीं मिला है सो so, अगेन वो धीरे 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 डेवलप होंगे नंबर टू गाइस जैसे ही अक्टूबर पंद्रह निकलती है अक्टूबर पंद्रह से लेकर सात नवंबर ऑलमोस्ट बीस uh, बीस इक्कीस दिन है सो so, इन दिनों के अंदर हम 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये छह पेपर्स टेस्ट की फॉर्म में देंगे ठीक है सो एज इट इज एग्जैक्टली टेस्ट की फॉर्म में टेस्ट एनवायरमेंट में एग्जैक्टली uh, exactly उसी टाइम के अंदर भी टाइम फ्रेम के अंदर भी जिस टाइम जिस पे के का पेपर होना है ये छह पेपर्स अगले बीस दिनों में तो एवरी थ्री डेज अ पेपर एंड uh, ये लास्ट के पांच पांच पेपर छह पेपर्स उन बीस दिनों के अंदर देंगे सो दैट वी बिकम कॉन्फिडेंट एंड हमें एंड टेस्ट टेम्परामेंट डेवलप हो एंड हमें एग्जैक्टली exactly पता लगे यार वॉट शुड बी द राइट अप्रोच बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ स्ट्रैटेजी ठीक है सो so, अगर तुमने कोई भी पेपर टेस्ट uh, की फॉर्म में नहीं दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म दिस स्ट्रैटी यू शुड नो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट आसान है एस ए वालों के लिए तो बायो भी करनी है यू शुड नो मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है सो वॉट आर दी पोर्स जिसपे मुझे डेवलप uh, सबसे पहले अटेंट करना है सेकेंड नंबर पर कौनस अटेंट करना है थर्ड पे एंड फोर्थ पे कौनसअेंट करना है एंड सिमिलरली सेम गोज फॉर एस एक्स जो स्टूडेंट्स हुआ इन क्लास ट्वेल्थ कि मुझे पहले चार में से कौन से तीन सब्जेक्ट्स उठाने हैं सेक्शन वन में एंड कौन से दो उठाने हैं सेक्शन टू में तो वो स्ट्रेटेजी डेवलप होनी चाहिए ट्वेल्थ uh, वालों को थोड़ा सा और प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि पार्ट टू के अंदर कौन से दो सब्जेक्ट उठाए जाए सो uh, गाय so इसके लिए भी तुम्हें इसके लिए भी एग्जैक्टली सेम uh, अप्रोच बारह से नाइन से लेके फोर्टीन तक के क्वेश्चन यू नीड टू डॉक्यूमेंट तुम्हें लिखो उन क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन पर वर्क करो सल्यूशन निकालो नहीं है तो गूगल करो नहीं है तो स्कूल टीचर्स इंस्टीट्यूट टीचर्स और मी को अप्रोच कर सकते हो एंड आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई तो जरूर दरवाजे उन क्वेरीज का रिस्पॉन्स देगा बट अगेन ये जो छह पेपर्स करके तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे कौन से दो सब्जेक्ट्स पार्ट टू के अंदर उठाना है दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एस एक्स स्टूडेंट्स राइट सो दिस शुड बी द अप्रोच गाइज टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ के वीपी एंड एंड दिस इज एन अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रिपरेशन अगर तुम यही कर लेते हो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह हो जाते हैं खुद से सारे के सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन के वीपी बोथ इन एस एंड एस एक्स ऑल्सो गाइज दो जिसको डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है सो गाइज नीडलेस टू से हम बहुत बार बता चुके हैं बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इन क्रास कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं सो इलेवंथ क्लास के लिए ऊपर वाला लिंक ट्वेल्थ क्लास के लिए नीचे वाला लिंक ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो वॉट यूनिट टू डू इज यूनिट टू क्लिक तो इलेवेंथ वालों के लिए ऊपर वाला लिंक नीचे ट्वेल्थ uh, वालों के लिए नीचे वाला लिंक बाय ना ऑप्शन यूनिट टू लॉग इन जैसे ही लॉग इन करोगे डिटेल्स भरोगे अपने आप एक कूपन कोड लग जाएगा एंड द प्राइस विल

Uh, हर हफ्ते एक टेस्ट होगा जिसके अंदर तुम uh, जज कर पाओगे अपने अपने आप को कि कहाँ पर व्हाट आर द गुड पार्ट्स व्हाट आर द बैड पार्ट्स एंड एक और अमेजिंग थिंग जहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ तुम कनेक्ट करके उनके उन, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाउट्स उनसे पूछ सकते हो राइट सो दिस इज वन एडवांटेज एंड एज सुन एज द कोर्स गेट्स ओवर फाइव फुल लेंथ टेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइव फुल टेस्ट तुम्हें मिलेंगे एंड उसकी डिस्कशंस एंड उनके सोल्यूशंस uh, भी उनके साथ मिलेंगे राइट सो दिस इज दर एडवाटेज तो अगर तुम डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स आई होप लेक्चर तुम्हारे लिए uh, फ़ायदेमंद हुआ एंड कुछ कुछ इसका फ़ायदा उठा के फोड़ाफाड़ी मचा दोगे के, के वी पी वाई के अंदर ऑल द बेस्ट मेकर्स प्राउड गॉड ब्लेस यू